बड़ा बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब आपकी स्ट्रेटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, इनसे जानेंगे कल क्या बनाए आप बाजार पर विशेष रणनीति। साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है, उनका भी परिचय करा देते हैं। आशीष से जानेंगे आज के बाजार का हाल। पूजा हमें बताएंगी भारतीय और विदेशी बाजारों का 6 महीने में कैसा रहा प्रदर्शन। चेतन से जानेंगे सरकार ने पावर सेक्टर के लिए क्या किए हैं बड़े ऐलान। कुशल बताएंगे भारतीय आईटी कंपनियां क्यों है फोकस में और कैसे रहेंगे जून ऑटो बिक्री के आंकड़े। और मानसी हमें बताएंगी सीमेंट सेक्टर पर एक्सक्लूसिव रिसर्च। लेकिन उससे पहले आज के बाजार पर डालते हैं एक नजर। शेयर बाजार हमने देखा लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुआ। निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 125 अंक फिसलकर 15,725 के नीचे चला गया। वहीं सेंसेक्स ने आज के हाई से करीब 400 अंक गवाए और 52,500 के नीचे जाकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में ऊपरी स्तरों से 450 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और ये 34,800 के नीचे फिसला। FIIs और DIIs की तरफ से क्या आज संकेत मिले हैं समझते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1647 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की, तो DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 1520 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज लगातार तीसरे दिन भी बाजार की कमजोरी खत्म क्यों नहीं हुई। भारतीय बाजारों के लिए आज मिला जुला ट्रेडिंग सेशन रहा। दुनिया भर के बाजारों से अच्छे संकेत थे। S&P और नेस्डेक ने नया रिकॉर्ड बनाया। डाओ हालांकि एकदम फ्लैट बंद हुआ लेकिन ऊपरी स्तरों से फिसलकर इन सारे संकेतों के बावजूद बाजारों ने शुरुआत मजबूती के साथ की। एक बार 15,800 के पार निफ्टी निकला भी, टिका भी और उसके बाद थोड़े उतार चढ़ाव के साथ सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखे। दिन के दौरान फिर से मजबूती का माहौल बनता हुआ दिखा लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा कमजोरी भरा रहा और इस कमजोरी की वजह हमारे अपने बाजार नहीं थे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत थोड़े कमजोरी के आते दिखे। यूरोप में हल्की प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी और डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए नजर आए और वहीं से भारतीय बाजारों पर दबाव बना। अदरवाइज वायदा कारोबार में ओवरसोल्ड पोजिशन के चलते भारतीय बाजारों में आज शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी का मौका साफ नजर आ रहा था लेकिन आखिरी 1.5-2 घंटे में बाजार थोड़े कमजोर होते दिखे और 15,800 के नीचे ही नहीं बल्कि 15,725 के बेहद करीब जाकर बंद होते दिखे। बैंक निफ्टी में भी 35,000 तक लगातार 3 दिनों पर 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी के क्लोज होने के बावजूद आज जो बिकवाली थी वो काफी तेज हावी होती दिखी और 35,000 ही नहीं बल्कि 34,800 के भी नीचे बैंक निफ्टी बंद होता दिखा तो दबाव बैंक निफ्टी पर ज्यादा था। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में भी हल्की फुल्की मुनाफा वसूली का दबाव रहा तो पिछले 2-2.5 ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के रहे। 15,900 के ऊपर लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद हल्की मुनाफा वसूली आती दिख रही है। अच्छी बात यही है कि अब तक क्लोजिंग बेसिस पर बाजार ने बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को होल्ड किया और जब तक वो है ऊपर तब तक चिंता की बात नहीं लेकिन हाँ सीमित दायरे में दोनों तरफ के ट्रेड भारतीय बाजारों में अभी होते हुए दिख रहे हैं। और अब कल के लिए क्या खास स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए आपको ये भी समझेंगे अनिल जी से लेकिन उससे पहले आज कहां पर थी सबसे ज्यादा हलचल समझते हैं सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन। आशीष चतुर्वेदी हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं। आशीष बताएं आज खबरों के दम पर कहां सबसे ज्यादा एक्शन था। देखिए एक और कमजोर सेशन देखने को मिला बाजार में। अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से निफ्टी करीब 130 अंक गिरकर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में 65 अंकों की गिरावट देखने को मिली लेकिन निफ्टी बैंक लगातार यहां पर जो वीकनेस है वो बढ़ती जा रही है। आज भी अगर आप देखें तो 240 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिली। आइए सबसे पहले वो कॉल्स डिस्कस कर लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। एमटार टेक स्टॉक में देखिए हाल ही की लिस्टिंग है, अच्छी तेजी 17% तक का उछाल स्टॉक में देखने को मिला। ये स्टॉक आपको सिटकी SIP और जेन साहब के जेम्स दोनों में बताया गया था, अच्छा उछाल स्टॉक में रहा। इसके अलावा लिबर्टी शूज आपको नतीजा आएंगे कमाई कराएंगे में बताया गया था। JK पेपर आपको सिमी जी ने बताया और IG पेट्रो सेटी साहब ने बताया, अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। जो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात की जाए तो मिड कैप IT स्टॉक्स में जो मोमेंटम है काफी स्ट्रॉन्ग।
तो हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक्शन मिला जुला देखने को मिला। जो छोटे स्टॉक्स हैं मिसाल के तौर पर आईओबी, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, यहां पर दिन के दौरान काफी बढ़िया स्पाइक और सर्ज देखने को मिला। वहीं अगर आप प्राइवेट बैंक्स को देखें तो जो रुझान है कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पर ही देखने को मिल रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में दिन के दौरान ब्रेकडाउन रहा। सिटी यूनियन बैंक, बंधन बैंक, लगातार गिरावट इन दोनों स्टॉक्स में देखी जा रही है। एफएमसीजी स्टॉक्स में भी देखिए एक्शन आज थोड़ा कमजोर साइड पर ही देखने को मिला। हालांकि खबर यह थी कि जो पाम ऑयल इंपोर्ट है उस पर ड्यूटी घटा दी गई है, कहीं ना कहीं सेक्टर के लिए पॉजिटिव होता है। इसके बाद भी अगर आप देखें तो गोदरेज कंज्यूमर और एचयूएल जैसे बड़े बेनिफिशियरी भी रिएक्ट नहीं किए, गिरावट के साथ ही बंद हुए। ब्रिटानिया भी कमजोरी देखने को मिली। और ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात की जाए तो अदानी टोटल गैस लगातार 5% की लोअर सर्किट। एमजीएल पिछले पूरे हफ्ते अगर आप देखें तो बढ़िया गेंस के साथ यहां पर कारोबार देखने को मिला था। आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। गेल और ओएनजीसी में भी दिन के दौरान ब्रेकडाउन देखने को मिला। मेटल पैक में बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक्शन मिला जुला देखने को मिला। जिंदल स्टेनलेस, नालको और रत्नामणि मेटल गिरावट के साथ बंद हुए। सुदीप बंदोपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। सुदीप सर, हफ्ते के लगातार तीसरे दिन हमने बाजार में कमजोरी का ही रुख देखा है, आने वाले समय में आप बाजार की कैसी चाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए सबसे यहाँ पे ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट में अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग साइडवेज मूवमेंट ये देखने को मिल रहा है और इसके चलते इंडियन मार्केट में भी थोड़ा असर हो रहा है। एफआईआई की अगर आंकड़े पे ध्यान दे तो वहां पे थोड़ा बिकवाली आने को दिख रहा है। और डोमेस्टिक मार्केट मैं ये कहूंगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। इसके कारण इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल मार्केट के नेगेटिव ट्रेंड, इंडियन मार्केट में ज्यादातर गिरावट नहीं आ रहा है और मार्केट एक सीमित दायरे में कामकाज कर रहा है। करीब 15,700 से 800 के बीच में ट्रेड कर रहा है और यहीं पे निफ्टी घूम रहा है। इसके अलावा काउंटर स्पेसिफिक और स्पेसिफिक कामकाज ज्यादा है आजकल और यही ट्रेंड हम लोगों को लगता है बरकरार रहेगा। जैसे आज हमने देखा पावर सेक्टर को लेकर सरकार की तरफ से कुछ पॉलिसीज आने वाले थे और वो आए भी और उसी के चलते कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आए पावर जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स उनके फेवर में और पावर सेक्टर ओवरऑल पावर सेक्टर में एक अच्छा खासा माहौल अगर ध्यान दे पीछे नतीजे आ रहे थे, यूफ्लेक्स के नतीजे अच्छे आए थे और इसके चलते पैकेजिंग कंपनीज में भी थोड़ा बहुत खरीदारी देखने को मिली है। बाय एंड लार्ज थोड़ा सेक्टर रोटेशन हो रहा है, कहीं कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है बट एक मार्केट का एक बेस तगड़ा सा बेस बना हुआ है, उसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा है और ये इनहेरेंट स्ट्रेंथ की तरफ ही पॉइंट आउट करता है। लगता है कि मार्केट इसी मूड में रहेगा। कल आंकड़े जो ऑटोमोबाइल सेल्स के आंकड़े देखने होंगे और सारे जो मंथली आंकड़े आएंगे उस पे जरूर ध्यान रहेगा, साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स पे भी ध्यान रहेंगे। बिल्कुल सर, तो बाजार पर सुदीप जी का टेक हमने समझा। कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या आज खास रहा बाजार में। 2021 में अब तक बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा है, पूरी एक डिटेल रिपोर्ट हमने तैयार की है। भारतीय बाजारों की चाल, भारतीय बाजार और इनफैक्ट विदेशी बाजारों का 6 महीने का पूरा प्रदर्शन लेकर हमारे साथ है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी, बताइए। जी अगर पिछले 6 महीनों में भारतीय बाजारों का प्रदर्शन अगर ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करेंगे तो मोटा मोटी भारतीय बाजारों ने अपने ग्लोबल पेयर्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला है। अगर भारतीय बाजारों में निफ्टी का प्रदर्शन देखें तो पिछले 6 महीनों में 13% का रिटर्न, बैंक निफ्टी ने 12% का और सेंसेक्स ने करीब 10% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। वहीं यूएस मार्केट में मोटा मोटी सभी बाजारों में 12-14% का रिटर्न दिया है। यूरोप के बाजारों में भी करीब 14-18% का रिटर्न दिया है और एशियाई बाजारों में भी अगर औसतन हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो करीब करीब 8-14% का रेटिंग यहाँ पर एशियाई बाजारों ने भी दिया है। तो ग्लोबल बाजारों की तुलना में भारतीय बाजारों का प्रदर्शन भी उन्हीं के मुताबिक ही रहा है। अगर प्रदर्शन की बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की तो निफ्टी गेनर में रहा है टाटा मोटर्स। पिछले 6 महीनों में करीब 87% का रिटर्न टाटा मोटर्स के शेयर में देखने को मिला। उसके बाद टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, यूपीएल और ग्रासिम ज्यादातर स्टील शेयर्स में जहां पर की अच्छी तेजी देखने को मिली है। और निफ्टी यूजर्स की बात करेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक में 13% की गिरावट दर्ज हुई है, हीरो मोटो करीब 6% की, नेस्ले इंडिया में 4% की, आईटीसी और मारुति सुजुकी में भी पिछले 6 महीनों में नेगेटिव रिटर्न यहां पर देखने को मिला है। बैंक निफ्टी गेनर्स में एसबीआई था टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक जिसमें की 52% का रिटर्न दिया है। इसके बाद है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीएनबी, फेडरल बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जिन स्टॉक्स ने बैंक निफ्टी की तेजी में यहाँ पर अपना योगदान दिया है।
और बैंक निफ्टी लूजर्स की बात करेंगे तो बंधन बैंक में 17% की गिरावट, कोटक महिंद्रा बैंक 13% की गिरावट और आरबीएल बैंक में करीब 8.5% की गिरावट दर्ज हुई। तो चलिए, तो 6 महीने के बाजार का प्रदर्शन पूरा हमने खाका समझा। अब आपको बताते हैं पावर सेक्टर के लिए कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं सरकार की तरफ से, और इन ऐलानों का क्या है इम्पोर्टेंस, उसके मायने क्या है, समझते हैं। हमारे सहयोगी चेतन भूटानी पूरी खबर लेकर हमारे साथ है, बताइए चेतन। जी बिल्कुल, यूनियन कैबिनेट ने पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए एक बड़ा कदम उठाया आज। इनफैक्ट आपको याद होगा निर्मला सीतारमन ने बजट 2021 में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रपोजल रखा था जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए के पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स आपको प्रपोज किया गया था। उसकी मंजूरी आज यूनियन कैबिनेट ने फॉर्मली दे दी है, जिसका मतलब ये है आने वाले समय में हम लोग देख सकते हैं एक पावर सेक्टर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। अब जल्दी से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये पावर सेक्टर स्कीम क्या है। इसमें 3 लाख करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार स्टेट के साथ मिलकर पैसा खर्च करेगी, जिसमें वो 25 करोड़ मीटर, 10,000 फीडर और 4 लाख किलोमीटर की लो टेंशन वायर ओवरहेड से जो सर से जाती है वो ले जाने की इनफैक्ट बातचीत चल रही है। इस पूरे 3 लाख करोड़ में से लगभग पूरा जो अमाउंट है वो भारत सरकार नहीं उसको खर्चा उठाएगी। इसमें से 97,000 करोड़ रुपीज भारत सरकार खर्च करेगी और कुछ बाकी सारा अमाउंट जो होगा वो यूनियन ऑफ स्टेट्स के साथ मिलकर किया जाएगा। इनफैक्ट उसमें जो काफी डिटेल्स है वो उसमें ये भी आता है कि डिस्कॉम्स को फाइनेंशियल सपोर्ट किस तरीके से दिया जाए ताकि कोई भी कंपनी इसका नजायज फायदा ना उठा सके और जो कस्टमर्स है उनको इलेक्ट्रिसिटी फटाफट मिल सके। लेकिन मेरे सोर्सेज जो हमने बात करी ऑफिशियली गवर्नमेंट में, तो हमको ये बताया गया कि आने वाले समय में पावर सेक्टर के लिए ये रिफॉर्म्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जब इतने बड़े तादाद पे ऑर्डर्स प्लेस होंगे ओवरहेड केबल्स के, मीटर्स के, रीडर्स के, फीडर्स के, उसमें ये बहुत अच्छी खबर रही कंपनीज के लिए भी और ऑफकोर्स कस्टमर्स के लिए भी। तो डेफिनेटली आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन पावर सेक्टर के लिए हो सकता है, कंसिडरिंग जो भारत सरकार ने आज कैबिनेट का अप्रूवल दिया है। सुदीप सर, इस खबर का कितना बड़ा इम्पैक्ट देख पाएंगे पावर सेक्टर पर, और कोई रिकमेंडेशन आपकी तरफ से? ये देखिए, बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने की संभावना है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि डिस्कॉम सेक्टर में रिफॉर्म्स की प्रचेष्टा सरकार की तरफ से बहुत दिनों से चल रहा है। आप लोगों को याद होगा कि उदय जो स्कीम लाया गया था उसमें भी पावर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को राहत और बेनिफिट देने की प्रचेष्टा की गई थी, पर कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिला। तो ये जो नए जो एफर्ट्स आए हैं लगा सरकार की तरफ से, उम्मीद ये है कि यहाँ पे ओवरऑल सेक्टर के बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले मैं 2 पर्टिकुलर कंपनी का जिक्र करना चाहूंगा। एक तो NTPC जो पावर सेक्टर के दिग्गज PSU है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का भी बहुत बड़ा हिस्सा है और ये डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड बेनिफिट NTPC को मिलेगा। निवेशक के लिए NTPC करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं, वो डिविडेंड यील्ड के तौर पे भी बहुत अच्छा है, इंडिया के दिग्गज कंपनी है। दूसरा टाटा पावर, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत अच्छा बिजनेस है और टाटा पावर का भी इस रिफॉर्म्स का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने की उम्मीद रहेगी। दोनों NTPC और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी में भी है और उसका भी बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही होता है तो मिलेगा। और एक सेक्टर का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो पावर इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं या पावर रिलेटेड काम करते हैं, जैसे सीमेंस, ABB, इनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट आने वाले दिनों में मिलने की संभावना है। तो करंट लेवल पे सीमेंस, ABB जैसे कंपनीज में भी खरीदारी की जा सकती है। तो पावर सेक्टर से खासतौर पर NTPC और टाटा पावर में खास नजर रखने की सलाह सुदीप बंदोपाध्याय जी की। कुछ और खबरों में, बोइंग को बड़ा ऑर्डर मिला है, भारतीय IT कंपनियां फोकस में क्यों हैं, पूरी खबर अच्छे से समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल से। बताइए कुशल, एविएशन सेक्टर में सुधार के संकेत हैं और IT कंपनियों पर अब क्या असर देखने को मिल सकता है? जी, तो कल के सत्र में आपको यूनाइटेड एयरलाइंस जो दिग्गज अमेरिकन एयरलाइंस है वो जो है बोइंग और साथ ही एयरबस को कुल मिलाकर 270 एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर देते हुए नजर आए। तो ये ऐलान होने के बाद आप देखिए बोइंग को करीबन करीबन पूरे 270 करोड़ के ऑर्डर में 200 प्लेन्स का ऑर्डर बोइंग के हाथ लगता हुआ नजर आया। अब इससे काफ़ी सारी जो भारतीय IT कंपनियां हैं उनको फ़ायदा होने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो बोइंग सालाना आधार पर करीब करीब 7500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट जो है आउटसोर्स करती है और आगे आने वाले समय में ये कॉन्ट्रैक्ट की जो साइज है ऑलमोस्ट दोगुनी करने की उम्मीद है। और कहीं ना कहीं जितने भी भारतीय IT कंपनियां हैं
वो बोइंग के लिए टॉप 10 क्लाइंट्स में से एक है। डेफिनेटली जितनी भी भारतीय आईटी कंपनियां हैं जो इससे इनमें इन्वॉल्व है और जो उनके सप्लायर्स को सॉल्यूशंस आउटसोर्स करती है, उससे कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है जितनी भी इंडियन आईटी कंपनीज इस स्पेस से या बोइंग के साथ जुड़ी हुई हैं। अब बोइंग के साथ साइंट और खासकर एचसीएल टेक, ये दोनों कंपनियां अगर आप देखें तो 2010 और 2011 से जो है बोइंग के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है। और साइंट स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो इनकी कुल आय का जो 50% हिस्सा है वो एरोस्पेस और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल से आता हुआ दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर कट इनडायरेक्ट इंडिकेशंस हैं कि साइंट के लिए काफ़ी अच्छी बेहतरी बन सकती है। और एक ऑर्डर तो अभी सिर्फ यूनाइटेड एयरलाइंस से आया है, और अगर एयरलाइंस जो हैं बोइंग के साथ ऑर्डर प्लेस करती हुई दिखती हैं तो डेफिनेटली जो आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू है वो साइंट के लिए और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। और आइए अब आपको सीमेंट सेक्टर पर एक एक्सक्लूसिव रिसर्च अब दिखाते हैं जो तैयार की है हमारी सहयोगी मानसी दवे ने, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सीमेंट सेक्टर की अगर बात करें, जून महीने में होलसेल सीमेंट के दाम लगभग 10% बढ़ते हुए दिखे हैं। प्रति बोरी 50 किलो दाम, यहां पर कह सकते 50 रुपए प्रति बोरी दाम जो है बढ़ते हुए हमने देखे हैं। 420 से बढ़कर दाम जो है 460 रुपए होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जून महीने में ही रिटेल सीमेंट के दाम में भी लगभग 13% का उछाल हमने देखा है। प्रति बोरी यहां पर 50 रुपए की बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। 460 से दाम बढ़कर 520 हुए हैं। दक्षिण भारत में जून महीने में सीमेंट के दाम 11% मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बढ़े हैं। और आपको बता दें, जब हमने सीमेंट सेक्टर से जुड़े डीलर्स से बातचीत की तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के डीलर्स का कहना है कि अगले सप्ताह 5-7% दामों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बढ़ती इनपुट कॉस्ट और डिमांड में सुधार से कुछ हद तक यहां पर हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। तो सीमेंट के दाम बढ़े हैं और आने वाले दिनों में भी दक्षिण भारत में 5-7% सीमेंट के दाम बढ़ते हुए दिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं हमारे शो का खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा है हमारे साथ। सर स्वागत एक बार फिर से आपका। कल के लिए कहां पर रखे ऑप्शन स्ट्रेटजी? स्वाति जी नमस्ते, आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्ते। तो डॉक्टर लाल पैथ और दीपक नाइट्रेट, ये दो कंपनियां लेकर आए हूँ। डॉक्टर लाल पैथ अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 120 रुपए के आसपास नीचे है, और इस वक्त ऐसा लगता है कि नए सिरे से ये एक तैयारी कर रहा है नए हाई पे जाने की। तो जुलाई का 3300 की कॉल खरीदी जा सकती है, जुलाई की 110 रुपए पे, और उसमें स्टॉप लॉस रखा जाएगा 80 रुपए का। टारगेट इसका 155, तो इसकी रिवॉर्ड रेशियो अच्छी है इसके अंदर। दीपक नाइट्रेट दूसरा स्टॉक है, उसके अंदर मेरा कॉन्फिडेंस डॉक्टर लाल पैथ से थोड़ा ज्यादा है, तो 1800 की कॉल आप खरीद सकते हैं 81 रुपए पे। स्टॉप लॉस इसमें रखा जाएगा 62 रुपए का, टारगेट इसमें रहेगा 110 रुपए का। दोनों ही स्टॉक करीब करीब 2.7% बढ़े हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से लीजिए। तो लेकिन दोनों में मैंने बताया कि दीपक नाइट्रेट मुझे दोनों में से बेहतर लगता है, बिकॉज बहुत आवश्यक है कि हमारा जो ट्रेडर है वो चुने, और इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं दिन भर में, तो बहुत आवश्यक है कि आप स्टॉप लॉस को बढ़ाएं और अपने ट्रेडिंग को कभी भी आप लॉस में न जाने दें। हो सके तो आप अपना एक मंथली लॉस का बजट बांध लीजिए कि इससे ज्यादा अगर मेरे को लॉस हुआ इस महीने में तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। ये बहुत आवश्यक है ट्रेडिंग के लिए कैपिटल अपना प्रोटेक्ट करना। धन्यवाद, जय हिंद। और आइए बानू जी से समझते हैं वीकली वायदा एक्सपायरी के दिन क्या रहे आपकी खास स्ट्रेटजी। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, दिन अहमियत वाला होगा क्योंकि भारतीय बाजारों के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन है, लेकिन वीकली एक्सपायरी में डेटा जबरदस्त बने हुए और पूरा एक्शन ऑप्शन बाजार में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 7500 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स नजर आ रहे थे, तो अमेरिका से एक कमजोर ट्रेडिंग सेशन की आशंका तो है, देखते हैं अमेरिका में क्या कुछ होता है, उसका असर कल ओपनिंग पर पड़ेगा। लेकिन भारतीय बाजारों में वायदा कारोबार के डेटा ये भी संकेत दे रहे हैं कि बाजार थोड़े ओवरसोल्ड भी हो चुके हैं और तेजी की पोजीशन भी कम होती हुई दिख रही है। ऐसे में 15,575 कल मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, इसके नीचे ही कमजोरी का संकेत आता हुआ दिखेगा। ऊपरी
इन स्तरों पर 15,800-15,850 वो रेंज है जहां पर मुनाफा वसूली और बिकवाली आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इन लेवल्स पर, इस रेंज पर आपको रख करना है फोकस। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,400-34,600 अब बैंक निफ्टी के लिए कल सपोर्ट के तौर पर आगे नजर आएगा। इसके नीचे फ्रेश कमजोरी होती दिखेगी और ऊपरी स्तरों पर 35,000-35,200 ये रुकावट का लेवल बैंक निफ्टी के लिए मानकर चले। इन लेवल्स पर, इन डेटा पर आप रखें नजर। चूंकि कल वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी का दिन भी है तो फिर से आपको उतार चढ़ाव वाला सेशन देखने को मिल सकता है। अगर काफी गैप से कमजोर खुले तो निचले स्तरों से रिकवरी आने की भी पूरी संभावना बनेगी। फ्लैट या मजबूती के साथ खुले तो ऊपरी स्तरों से वापस से आपको दबाव देखने को मिलेगा, जैसा आज का सेशन था। यानी कि बाजार परफेक्टली बैलेंस है, दोनों तरफ के ट्रेड आपको दिन के दौरान देखने को मिलेंगे। रेंज भले ही छोटी रहे लेकिन उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होने की उम्मीद आप कल के लिए भी कर सकते हैं। सुदीप जी, आपके पास आ रहे हैं, अब आपसे जानना चाहेंगे आपकी लॉन्ग टर्म पिक्स आप कौन सी बताने वाले हैं आज। देखिए, दो शेयर का मैं जिक्र करूंगा। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पीएनसी इंफ्राटेक, इसमें हम ₹325 का टारगेट रख के 6-9 महीने के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। एक तो कंपनी का जो एसेट मोनिटाइजेशन का जो कार्यक्रम था वो ठीक ठाक चल रहा है और उसके चलते कंपनीज का वर्किंग कैपिटल या बिड करने की हिम्मत बढ़ रही है और रिटर्न रेशियोज भी इंप्रूव होंगे। दूसरी बात है, सेकेंड फेज का लॉकडाउन जैसे जैसे लिफ्ट हो रहा है, इनका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और ऑपरेशनल कामकाज बढ़ रहा है और पहला लॉकडाउन में जितना हानि हुआ था उतना होने की संभावना नहीं है, तो हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में। अब तीसरी बात है, इनका मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, पिछले क्वार्टर के जो नतीजे आए थे उसमें अच्छे मार्जिन दिखाए जो इम्प्रूव कर रहा है। ओवरऑल वैल्यूएशन के लिहाज से भी हम लोगों को इस लेवल पे अच्छा लग रहा है। दूसरा कंपनी मैं जिसका जिक्र करना चाहूंगा वो है हीरो मोटोकॉर्प, अपने क्षेत्र में दिग्गज कंपनी है, वैल्यूएशन भी अभी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे चल रहा है। यहाँ पे 3,400 का टारगेट लग के 6-9 महीने के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसका खासियत यह है कि जो रूरल इंडिया में इनका कामकाज और इनके व्हीकल्स के सेल बहुत अच्छा है और जैसे हम जानते हैं रूरल इंडिया से डिमांड बढ़ने की उम्मीद है और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा हीरो मोटोकॉर्प का उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इस कंपनी का पहले एक्सपोर्ट में ज्यादा बिजनेस नहीं था पर अभी एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा फोकस दिया है इन्होंने। ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है वहां पे भी बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं। मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने प्राइस हाइक लिया है और कॉस्ट कंट्रोल भी किया है। तो ओवरऑल जो माहौल हीरो मोटोकॉर्प में बन रहा है वहां पे हम लोगों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और एक खासियत यह है कि स्कूटर सेल्स पे, स्कूटर पे इन्होंने फोकस डाला है जो कि रूरल इंडिया के लिए फोकस्ड है और यहाँ पे भी इनको अच्छा प्रदर्शन होने की संभावना है। ओवरऑल निवेशक को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं करंट लेवल पे। तो लॉन्ग टर्म पिक्स दो सुदीप जी की, एक तो पीएनसी इंफ्राटेक और दूसरी हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी की सलाह। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल के चंदन दापड़िया से बात करते हैं। चंदन जी स्वागत है, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहाँ? जी नमस्कार। देखिए बाजार में जरूर पिछले 2-3 दिन से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो रही है बट ओवरऑल बाजार का सेटअप काफी पॉजिटिव है और हमारा ऐसा मानना है कि निफ्टी जब तक 15,650-700 का जोन होल्ड करता है वापिस यहाँ पे एक पॉजिटिव बाउंस बैक और न्यू लाइफ टाइम हाई देखने को मिलेंगे। तो दो आइडियाज निकाले हैं, दोनों पॉजिटिव टेरिटरी में है। पहला रहेगा ऑटो सेक्टर में एस्कॉर्ट्स। आप देखोगे एस्कॉर्ट्स ने काफी बॉटम आउट अप्रोच बनाया और अब एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। हमारा मानना है कि स्टॉक ऊपर में लगभग 1260-1280 तक के लेवल दिखा सकते हैं। इसके 1240 की एस्कॉर्ट्स की जुलाई में इनकी कॉल को खरीदारी की सलाह रहेगी। ₹37 के आसपास इसका क्लोज हुआ है, ₹29 का स्टॉप लॉस लगाइए और हमारा मानना है ये कॉल ऊपर में 50-53 रुपए का टारगेट छूनी चाहिए। दूसरा ट्रेड रहेगा SRF। आज हमने देखा कि सिलेक्टिव स्पेशलिटी केमिकल फर्टिलाइजर कंपनीज में बाइंग इंटरेस्ट थी और SRF में काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे पॉजिटिव व्यू है, हमारा मानना है 7700 तक के लेवल SRF में बनने चाहिए। तो 7500 की कॉल खरीदारी की सलाह रहेगी जिसका 151 के आसपास क्लोज हुआ, 120 का स्टॉप लॉस लगाइए और SRF में तेजी आएगी और ये कॉल कम से कम आपको 200-210 रुपए तक के टारगेट हासिल करती हुई नजर आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया चंदन जी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बताने के लिए कल के लिए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शो में शामिल हुए, साथ ही सुदीप सर आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर रिसर्च पहुंचाने के लिए।